कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, आपके घर ना आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है। कर्मचारियों को वेतन देने में 80% छोटी कंपनियां सक्षम नहीं। मई की सैलरी मिलेगी या नहीं, ये बहुत ही बड़ा सवाल। तो जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको लास्ट तक जरूर देखना है इस वीडियो को। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप सैलरी पा सकते हैं सरकार की तरफ से, सरकार इसमें आपकी पूरी सहायता करेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ तो चलिए गाइस आपको बताते हैं किस तरह से आप अपने मई अप्रैल माह की सैलरी पा सकते हैं। तो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से देश की 80% छोटी कंपनियां अपने कर्मचारियों को अप्रैल माह का वेतन देने में सक्षम नहीं है। IMSMI के चेयरमैन राजीव चावला ने हिंदुस्तान को बताया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ने का सबसे बुरा असर छोटी कंपनियों पर हुआ है। ऐसे में पूरे अप्रैल महीने में उत्पादन ठप रहने से हुआ है। इसके चलते देश भर की 80% से ज़्यादा छोटी कंपनियां अब इस हालात में नहीं है कि अब वह अपने श्रमिकों और कर्मचारियों को अप्रैल महीने का पूरा वेतन दे पाए। करीब 50% छोटी कंपनियां बैंकों से कर्ज लेकर वेतन का कुछ हिस्सा देने की तैयारी कर रही हैं। देश की 36% कंपनियों ने सैलरी बढ़ोतरी रोकी। महामारी के चलते पैदा हुए अप्रत्याशित हालात के बीच देश की कंपनियों ने 36% कंपनियों ने सैलरी बढ़ोतरी रोक दी है। ग्लोबल रिसर्च कंपनी कॉर्न्स फेरी की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि कुछ कंपनियों ने इस कठिन समय में नई भर्ती पर रोक और कुछ ने वेतन वृद्धि में रोक का फैसला भी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कौन कौन सी कंपनियां वेतन देने में आनाकानी कर रही हैं। ऑटो पार्ट्स उद्योग वेतन देने में सक्षम नहीं है। ऑटो पार्ट्स कंपनी सोलो मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के MD संदीप किशोर जैन ने बताया कि ऑटो कंपनियों ने सभी वेतन की समस्या नहीं है, लेकिन ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां कर्मचारियों का वेतन देने में सक्षम नहीं है। अप्रैल की सैलरी देने में हम सभी को समस्या आ रही है। ढील के बावजूद ऑटो कंपनियों की ओर से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। अब बताते हैं दूसरी कंपनी में MSME सेक्टर 90% को वेतन के लाले। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के महासचिव अनिल भारद्वाज ने बताया कि अप्रैल महीने में 90% MSMI कर्मचारियों का वेतन देने में सक्षम नहीं है। उत्पादन बंद होने से MSMI कंपनी का वित्तीय संकट गहरा गया है। रियल इस्टेट मई में वेतन देना मुश्किल, ये कंपनी रियल इस्टेट वाली कंपनी भी का यही कहना है। गौर ग्रुप के MD मनोज गौड़ ने हिंदुस्तान को बताया कि लॉकडाउन में ढील देने के बावजूद रियल इस्टेट प्राइवेट का काम शुरू करना मुश्किल हो रहा है। किसी भी प्राइवेट को प्रोजेक्ट को बनाने में 150 तरह से सामान की ज़रूरत होती है, जिसकी आपूर्ति हो नहीं पा रही है। अप्रैल का वेतन ज़रूरत के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन मई में वेतन देना मुश्किल होगा। रिटेलर सेक्टर कारोबारियों के पास पैसे नहीं। देश के खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि छोटी दुकानों से लेकर बड़े शोरूम कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो रहा है। पूरे महीने दुकान या शोरूम बंद होने से कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कारोबारियों के पास जैसे पैसे नहीं है। अब ढील नहीं देने की से समस्या और बढ़ेगी। विमानन हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन इंडिगो मई से अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में कटौती करेगी। साथ ही कंपनी
जून और जुलाई में श्रेणीबद्ध तरीके से लोगों को सीमित बिना वेतन की छुट्टी पर भी भेजेगी। इस तरह का हाल होटल पर्यटन से जुड़े कर्मचारियों का है। जेम्स एंड ज्वेलरी। दिल्ली के दरीबा ज्वेलर्स एसोसिएशन ने प्रेसिडेंट तरुण गुप्ता ने बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री अप्रैल महीने का वेतन किसी तरह से अपने कर्मचारियों को दे रही है, लेकिन यह स्थिति मई महीने में चलना मुश्किल है। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा क्षेत्र 50% सैलरी का भुगतान। पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने संयुक्त सचिव प्रेम रंजन ने बताया कि निजी स्कूलों में काम कर रहे कर्मचारी और शिक्षकों का वेतन देना मुश्किल हो रहा है। मार्च और अप्रैल में 50% सैलरी का भुगतान किया जाएगा। तो गाइड्स, ये रही वो कंपनियां जो वेतन देने में सक्षम नहीं है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ अपने YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।